दोस्तों, स्वागत है आपको ग्राउंड जीरो में और मैं अनुज हनुमत और आज मैं आया हूँ चित्रकूट के इकलौते समृद्ध वाटरफॉल में जो कि बहुत नैसर्गिक है, बहुत अप्रतिम है और इसकी जो सुंदरता है वह देखते ही बनती है। मेरे साथ मेरी पत्नी भी हैं। कैसा लगा आपको आकर के यहाँ? ये देखिए, इसे तुलसी वाटरफॉल कहते हैं। पुरातन समय में इसी कुंड का नाम कुड़ी था, कुड़ी कुड़ी नाम से इसे बोला जाता था और अब फिलहाल सरकार ने इसे तुलसी जलप्रपात का नाम दिया है। कुछ दिनों तक कबरी भी कहते थे। फिलहाल जो इसका प्राचीन नाम है वो कुड़ी है और इसी से कुछ दूरी पर माँ अनसुईया जो कि माँ मंदाकिनी का उद्गम स्थल है कुछ ही दूरी पर है। यहीं से अमरावती आश्रम भी पास में है, विराट कुंड भी पास में है, मार्कंडेय आश्रम भी पास में है और सर्वंगा और सतीक्ष आश्रम भी पास में है। कुल मिलाकर के चित्रकूट में ये जो डबल लेयर का यानी कि डबल लेयर का यहाँ पे वाटरफॉल है, देखिए कितना सुंदर है। और पीछे जो आप देख रहे हैं वहाँ पे ये यहाँ पे जो है ग्लास ब्रिज बन रहा है। यूपी का पहला स्काई वॉक ग्लास ब्रिज है जो कि कुछ ही दिनों में खुलेगा आम लोगों के लिए। फिलहाल आप इसके नज़ारे का लीजिए, आनंद लीजिए और अपने वीकेंड पर आप उसी जलप्रपात जो कि जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर है और ये पड़ेगा आपको करबी से आप मानिकपुर आएंगे, मानिकपुर से मारकुंडी रोड में टिकरिया आएंगे, टिकरिया के बाद ये आपको स्थान पड़ेगा, बोर्ड लगा हुआ है, आप आएंगे। बेहद खूबसूरत है और ये देखिए कितना सुंदर। यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक हैं जो आ रहे हैं लगातार और यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा रह रही है। आप देखें कि कितनी अच्छी सुंदरता है, ये पूरा जो नज़ारा है वो प्राकृतिक है और प्रकृति ने जैसे खुद को तराशा हो। ये देखिए,